राजनीति में जो सबसे तेज चलता है या जो रफ्तार के साथ दौड़ता है वो बड़ा नेता बन जाता है। और कुछ ऐसी ही किस्मत की कर्म भूमि पर जन्म लिया था मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में जीतू पटवारी इस नाम ने। आज वो मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री तो हैं ही, बल्कि विपक्षी दल कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष भी हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारी चुनौतियां विपक्षी दल के सामने भी है, और वर्तमान देश के जो हालात हैं, कोरोना संक्रमण काल के दौरान जनता जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान अपने घर की चार दीवारी में बंद है, तमाम चुनौतियां हैं राजनीतिक दलों पर और राजनेताओं के कंधों पर है जनता के सरोकार वाली राजनीति का जिम्मा। ऐसे में खरी खरी बात करेंगे, सीधी बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के दिल में क्या है। जीतू जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट में। ऐसा कहा जाता है कि ये वो दौर है जब शताब्दियों के बाद ऐसा अवसर आया है कि मनुष्य मनुष्य से दूर है, मानव मानव से दूर हो रहा है, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। देश में जो चुनौतीपूर्ण हालात हैं, इसे लेकर आपकी पहली टिप्पणी क्या है, आपके मन में क्या ख्याल आता है? ये विश्व में महामारी है और मैं मानता हूँ कि ये जरूर है कि ये आज इंसान को क्या है वो, और क्या है ये पृथ्वी, ये क्या है प्रकृति, और प्रकृति का न्याय क्या होता है और प्रकृति के नियम क्या होते हैं, ये सीखने को मानव को मजबूर कर दिया है। अंधी दौड़ में हम इंसान एक ईश्वर के आराधना को छोड़ते हुए लग गए थे। ईश्वर ने फिर कहा, प्रकृति ने फिर कहा कि मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो मैं मानता हूँ बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े आर्थिक संपन्न लोग, अच्छी से अच्छी महत्वाकांक्षाओं की उड़ान भरने वाले उत्साही हमारे युवा साथी सब इस भाव में रहे कि नहीं, ईश्वर है इस दुनिया में, प्रकृति है इस दुनिया में, और उसके नियम को पालना चाहिए। मैं मानता हूँ ये हमें आत्ममंथन पर मजबूर करती है। मैं मानता हूँ कि ये नफरत रहित, घृणा रहित मानवीय अवधारणाओं को जीने पर समाज को मजबूर करती है, मानव जाति को मजबूर करती है, और यही सीख हम सबको इससे लेना चाहिए। लेकिन जीतू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैश्विक महामारी है, पूरा विश्व इससे जो है संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है। भारत में जब कोरोना संक्रमण के मामले के आने की आहट हो चुकी थी, उसके बावजूद आखिर कहाँ चूक रह गई? क्या देश की सरकार ने देरी कर दी, या जिन राज्यों में आज आंकड़े हैं, रेड स्पॉट्स है, वहाँ की सरकारें उदासीन रही? बात यह है कि ये कोरोना हिंदुस्तान में आया हवाई रास्ते से। देश के सौभाग्य था ये कि दुनिया में जहाँ कोरोना आया उसके 2 महीने बाद हमारे यहाँ, तो 2 महीने हमें मिले थे संभलने के, देश की सरकार को मिले थे संभलने के। उस समय देश की सरकार ने जो प्रिपरेशन करनी थी, मैं समझता हूँ उसमें चूक हुई। आप देखो कि 26 हवाई अड्डे अगर लॉकडाउन कर दिए जाते हैं, आने वाले विदेशी यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाता, जांचें की जाती है और उनकी सैंपलिंग ली जाती है, तो शायद ये परिस्थिति देश में नहीं है। अवसर इस बात का है कि कोरोना से लड़े ये तो जीत जाएंगे ही हम जन, पर साथ ही साथ इसके जो साइड इफेक्ट होंगे आर्थिक, ये अद्भुत देश को, आने वाली पीढ़ियों को, के संभावनाओं को मार देते। मैं मानता हूँ ये एक चुनौती देश में है, तो मैं मानता हूँ कि इसका पूरा जो धारणा थी देश की सरकार को सही समय पर चेतना था, विदेशों में, चाइना में, अमेरिका में, इटली में हमसे पहले आया था, तो जो संभलना चाहिए वो देश की सरकार नहीं समझी, मोदी जी नहीं समझे। उसके कई कारण, मैं नकारात्मक बातें नहीं करना चाहता, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का भी विजन इसमें पॉजिटिव ही है। हम नहीं कहते हैं कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, पर आपने जो सवाल किया उसका उत्तर है। लेकिन क्या लगता है कि विपक्ष का धर्म नहीं होता, जब सरकार ठीक काम नहीं करती तो विपक्ष जगाने का काम करता है, विपक्ष जनता की आवाज बन जाता है, विपक्ष भी तो मौन रहा, विपक्ष भी उदासीन रहा। राहुल गांधी जी ने हर वक्त कहा, 3 बार कहा, देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि ये कोविड का जो महामारी आ रही है इसमें सरकार चेते, सरकार सजग हो, इस पर काम करे, अन्यथा बहुत बड़ी सुनामी है। तो आप उस समय के स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी हंसी उड़ाई, देश के गृह मंत्री ने उनको पप्पू कहा, और प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा नमस्ते ट्रंप में थी, देश की, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में थी, और पूरी भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही थी। कोविड पे उनका ध्यान ही नहीं गया, उनका ध्यान सत्ता की महत्वाकांक्षा के अंदर अपना अहम बनाने में रहा। तो मैं मानता हूँ ये सबसे प्रमुख कारण रहा कोविड के देश में प्रवेश का। चलिए, देश में प्रवेश की बात करें, लेकिन हिंदुस्तान के दिल एमपी की अगर हम बात करें, तो एमपी में भी ये मामले तब आना शुरू हो गए थे, कहा जाए प्राथमिक तौर पर ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, आप भी उस सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। क्या कदम आपकी सरकार ने उठाए थे और वर्तमान की शिवराज सिंह चौहान की सरकार के कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? देखो, आरोप प्रत्यारोप कितने भी हम करें, चाहे बीजेपी करे, चाहे शिवराज जी करे, पर ये जरूर है कि वो जो दौर था, वो दौर था सत्ता परिवर्तन का, सत्ता पे हथियाने का, सत्ता पे कब्जा करने का, एक लूट थी सत्ता की। तो उस जो पीक पॉइंट था उसके कारण
अगर कोई दोषी है तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान है, वो लोग हैं जो सत्ता को बेच रहे थे, अपने आप को बेच रहे थे, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। पर कमलनाथ जी ने जब विश्व में जो हेल्थ इमरजेंसी लगाई, जब उससे पहले हम जाते हैं देश की सरकार नहीं जाती, आपको ध्यान हो कि समय समय पर हमने हेल्थ केयर की एडवाइस दी, जिला सरकार जिला कलेक्टरों को एडवाइस दी कि कोरोना को लेकर हॉस्पिटल तैयार किया जाए, टेस्ट कैसे हो इसके लिए लैब तैयार की जाए, हर जिले में एक लैब की प्रोसेस कैसे हो। उसके बाद हमने कई आयोजन निरस्त किए, जहाँ भीड़ भाड़ हो वो एरिया निरस्त किए, आपको ध्यान हो तो हमने विधानसभा निरस्त की। तो ये सब बातें जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आज है वो कहते थे कि क्या भविष्य बनता है कांग्रेस के लोग, कमलनाथ जो इस तरह की कोरोना को लेकर बातें करते हैं, हंसी उड़ा रहे थे, एक मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री अभी बने कोरोना करोना इस तरह की बातें। लेकिन आपके जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का भी एक बयान है मीडिया के कैमरों पर ऑन रिकॉर्ड है कि पहले सियासी कोरोना से तो निपट लें फिर कोरोना की बात करेंगे, ये खुद मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा था। क्या सफाई है? कमलनाथ जी ने क्या कहा ये अलग बात है, क्या सीरियसनेस कहा थी ना पॉलिटिशियन में सीरियसनेस नहीं होती तो फिर वो विधानसभा सत्र क्यों स्थगित कराते, सीरियसनेस नहीं होती वो तो सरकार गिरने का भी तो डर था। तो आईफा अवार्ड इंदौर में हो रहा था जिसमें मध्य प्रदेश का चेहरा विश्व में चमकता, उसकी एक 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 नए बच्चों को लेकर एक क्रिएटिव दिमाग से उन्होंने वर्क किया था, वो क्यों कैंसिल करते कि अगर उनको कोरोना की चिंता नहीं होती तो एक महिला इकट्ठी हो रही थी छिंदवाड़ा में वो कार्यक्रम निरस्त किया। मैं मानता हूँ कि ये सब बातें उन्होंने की कहा क्या एक अलग बात है, पर सीरियसनेस में कोई कमी नहीं। चलिए सियासी कोरोना से थोड़ा दूर चलते हैं, राजनीति की भी बात कर लेते हैं। बहरहाल यहाँ पर एक जिम्मेदारी राजनेताओं के कंधों पर यह भी होती है कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए, उन्हें सुरक्षित वातावरण सरकार दे पाए। क्या वाकई में पूर्व की सरकार ने जो कदम उठाए थे उसे आगे बढ़ा रही है वर्तमान की शिवराज सरकार, और इन दिनों जो सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, मैं देखा, मैंने कहा कि हमारी नियति कभी नहीं रही आरोप, हमने सरकार को सजग किया, सुझाव दिए, क्रिटिसाइज किया, पर हमने राजनीतिक पोती, हमने हमेशा वो काम किया जो सरकार को सहयोग करे, उनके निर्णयों को सहयोग करे, लॉकडाउन में मदद करे। हमारी प्राथमिकता जो शिवराज सिंह जी ने हमें बताई कि एक राजनीतिक लोगों की, कार्यकर्ताओं की और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता है गरीबों की, मजदूरों की, जरूरतमंदों की सेवा करे, राशन की करे, मजदूरों की करे। तो फिजिकली हम हमारे से जितना बना उतना किया, ज्यादा से ज्यादा किया, कांग्रेस पार्टी पूरी समर्पित रही। पर आप देखो कि शिवराज सिंह जी ने जैसे ही सत्ता संभाली वो एक दिन भी इंदौर जैसे पश्चिमी क्षेत्र में नहीं आया। मैंने कई बार उनसे आग्रह किया, चिट्ठियां लिखी, ट्विटर पे बात की और भी तरह तरह के जो आज के सोशल वर्किंग होती है वो सब की। आज तक स्वास्थ्य मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी चौहान, सबकी गतिविधि लॉकडाउन के विपरीत चलती है। आपको लगता है? मैं मानता हूँ मैसेज देने वाली बात, क्या एक जनप्रतिनिधि, एक मुख्यमंत्री, एक सरकार ये जनता से अपील करे कि आप लॉकडाउन में घर में रहो, नहीं तो डंडे हैं, सरकार का कानून है, FIR है, और पूरी सरकार लग गई कि हम लॉकडाउन को उधेड़ बुन करें, अलग अलग तरीके से करें। तो ये इनके संस्कार दे प्रदेश की सरकार जनता देखी है, हमारी तो आशा है, उनसे अपेक्षा है कि वो जैसा खुद व्यवहार करे ऐसा जनता से। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना से डर लगता है इसलिए वो इंदौर रेड स्पॉट नहीं आ रहे? मैं मानता हूँ कि शिवराज सिंह जी का मानस ही नहीं है कि वो कोरोना से, शिवराज जी का मानस है कि ऑटो मूट के कोरोना को हमने छोड़ दिया, जो जिएगा वो जिएगा, मरेगा वो मरेगा, हर आदमी को कोरोना होना और निकलना है, ये उनकी ऐसी मनोस्थिति है। अगर उनका मतक ऐसा होता कि मुझे कोरोना से निपटना है तो वो इंदौर आते हैं, समीक्षा करते, मीटिंगें लेते, आनंद फानंद वो अधिकारी जो लगातार यहाँ बने हुए थे उस दौरान उनको बदलते नहीं, उनकी तो सिर्फ पॉलिटिकल मैनेजमेंट की एक अपेक्षा रही, मैं भी सरकार कैसी बनी रहे, मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूं, पॉलिटिकल मेरा जितने भी जो मेरे मोटिव है वो कैसे प्ले हो, उस पर उनका फोकस है, उनका कोरोना पे फोकस नहीं है, जनता पे फोकस नहीं है, और उनकी मनोस्थिति नहीं है, विचलित जैसे दिखता है। आपकी मनोस्थिति क्या है, आपका फोकस किस पर है, कांग्रेस पार्टी का फोकस आखिर किस बात पर है? कांग्रेस पार्टी का फोकस शुरू दिन से, पहले दिन से जिस दिन कोविड आया सोनिया गांधी ने संदेश दिया कि हमें सरकार के साथ रहना है, कार्यकर्ता वो काम सब करे जो सरकार चाहती है, नए नियम चाहते, कानून चाहते, लॉकडाउन के पालन करे। दूसरा हमारा फोकस गरीबों की सेवा, और तीसरा हमारा फोकस मजदूरों की मदद। मैं मानता हूँ कि कुल मिला के सरकार के सारे, हम कितना क्रिटिसाइज किया हमने सरकारों को, कितना क्रिटिसाइज किया हमने मोदी जी को, कितना क्रिटिसाइज किया हमने शिवराज जी को, पर सारा काम वही किया जो उन्होंने हमें कहा या सरकार ने हमें नहीं, हमने कोई हरकत ऐसी नहीं की कि हम
हमारी सरकार है और प्रदेश हमारा है, कोविड सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी भूमिका हमारी क्या है वो पॉजिटिव हमने निभाई, बस एक ही मोटिव है। अच्छा अब हल क्या है? चलिए माना कि अब आप सरकार में यदि होते तो क्या इस कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिला पाते? आपके पास कोई ऐसा प्लान था? क्या प्लान था आपके पास? जैसा राहुल जी ने कहा कि सबसे पहले कोरोना चाइना में आया जब हम जाके, और सबसे पहले चाइना के सबसे ज्यादा लोग अमरीका जाते हैं, इटली जाते हैं या अन्य ऐसे यूरोपियन देशों में जाते हैं जैसे यूके जाते हैं, तो वहाँ से आने वाले जितने लोग हैं उनको क्वारंटाइन करके उनकी जांच करके देश में प्रवेश दिए गए। हवाई यात्राओं पर पूरी तरीके से फोकस किया जाए, ये राहुल जी ने चिट्ठी लिखकर अलग अलग तरीके से सरकार को समय बताया, फोकस ये होता। उसके बाद लार्ज स्केल पे देश भी चलता रहता और आर्थिक सुनामी भी नहीं आती, लोगों की रोजगारी भी नहीं जाती, और हम इस कोविड से कैसे लड़ सकें इसका एक प्लान होता, उस पर काम होता, जिसमें पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स बड़े शहरों में जहाँ बड़े एयरपोर्ट हैं उन्हीं लोगों को वहाँ रखा जाता है, जहाँ जहाँ हर जिले में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे अगर कंट्रोल कर लिया जाता तो शहर में शायद नहीं रहता। तो वो उस तरीके का एक इमरजेंसी प्लान था, होना था, जो हमारी सरकार होती तो करती ही करती, और उसके साथ साथ क्योंकि ये अवसर था, प्रधानमंत्री ने कहा तो सही कि आपदा को अवसर समझो, पर आपदा का अवसर भ्रष्टाचार में समझा बीजेपी की अलग अलग सरकारों ने अलग अलग राज्य। अगर हम ये समय था जब विश्व में इस तरह की महामारी आ रही थी, तो आर्थिक मूवमेंट हमारे देश तरफ कैसे हो, हम सुरक्षित कैसे दिखे, और पूरी देश की जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां उनका हेडक्वार्टर देश कैसे बने, इस तरह जिससे हमारे देश में रोजगारी बढ़े, लोगों का जीवन स्तर बने, हमारे फॉरेन करेंसियां आए, ऐसा मोटिव इस दौर में हमें बनाना था जिसमें हम थे। विपक्षी दल के लोग कहते हैं कि जीतू पटवारी बहुत बोलते हैं, आए दिन हर मुद्दे पर बयान देते हैं, और जीतू पटवारी को राजनीति में बुरा बहुत जल्दी लगता है, इस आरोप में कितना है दम? नहीं, राजनीति में किसको बुरा लगे, सार्वजनिक जीवन जी नहीं सकता है, कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। अगर विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि हाँ मैं बोलता हूँ, इसका मतलब मैं पास हो रहा हूँ, मेरा काम है, मेरे को मीडिया की जवाबदारी है, तो मेरे पार्टी के मुद्दे मुझे उठाने हैं और वो मैं करता हूँ। मेरा मेरे किसी व्यक्ति के खिलाफ जब मैं बात करता हूँ तो उससे मेरी नफरत नहीं होती, घृणा नहीं होती, वो उतना ही प्रिय होता है मुझे जितना मेरी पार्टी का कोई नेता है। पर व्यवस्था के खिलाफ बोलना विपक्ष में लोकतंत्र का दायित्व है, वो मैं नहीं। अच्छा क्या कहना चाहेंगे कि आप से? एक बात जरूर है जी, मैं नफरत भरा नहीं बोलता हूँ, घृणा भरा नहीं बोलता, किसी के लिए कुंठा से नहीं बोलता, व्यवस्था से बोलता हूँ और व्यवस्था के सुधार के लिए बोलता हूँ और वो बोलता रहूंगा। चलिए, आपसे अपना घर नहीं संभलता और आप दूसरे के घर पर जो है पत्थर फेंकते हैं, ये कहावत को कैसे आप समझ पाएंगे? क्या लगता है कि जब सरकार गिरने जैसे हालात बन रहे थे, विधायकों ने अपना मन बदल लिया था, रातों रात जो है विधायकों ने पार्टी विचारधारा बदल डाली, तब आप उन्हें संभाल नहीं पाए और अब जो है राजनीतिक आरोप लग रहे हैं? नहीं, वो तो एक तरह से मैंने कहा ना, तो कई बार कह चुका हूँ, बार बार कहता हूँ, अच्छा नहीं लगता, वो दौर चला गया, अब जो हो गया सो बीत गई, आगे की सुध ले, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, प्रदेश को पता है। मैंने हर बार कहता हूँ, एक बाप अगर ये सोच ले, विचार कर ले कि मैं मेरे परिवार की हत्या करना चाहता, खाने में जहर मिला देगा, गोली से घर में अगर पिस्तौल है तो उससे उड़ा देगा, कैसे भी अगर मुखिया नहीं ठान ली कि मुझे हत्या करना है, तो हमारे मुखिया थे वो जो जिनने हमारे पीठ में छुरा, तो मुखिया बनाए नहीं रहते ज्योतिरादित्य सिंधिया को, इसीलिए तो वो चले गए, अगर उन्हें पार्टी का मुखिया बना देते तो वो पार्टी नहीं। ये इसके तो कई सवाल आएंगे और कई सवाल जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर 17 लोग उनके साथ गए हैं तो 115-14 में 17 लोग थे उनके साथ, तो जिसके साथ ज्यादा थे उसको बनाया, घर परिवार के सदस्य जिसने कहा कि हम ज्यादा लोग इसके साथ हैं, हम इसको इस पे भरोसा, तो उसको लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ऐसा तो नहीं कि 14 लोगों में बना दे और 100 लोगों को छोड़ दे, ये तो नहीं हो सकता है। तो मैं मानता हूँ ये प्रदेश समझता है कि क्यों गए, कैसे गए, किस लिए गए, अभी धीरे धीरे और पढ़ते जाएगी, ये पता चल जाएगा कि झांसी की रानी की हत्या क्यों की भाई, ये देश में क्यों, पता नहीं है कैसे। लेकिन जब तक आपकी पार्टी इसका उत्तर दूंगा, पर आपके परिवार में जब आपकी पार्टी हुई तो आपके परिवार वालों ने जो बहू आपके घर में आई उसका खानदान देखा, उसका परिवार देखा, उसके और क्रियाकलाप, दूर आसपास के परिवार का ध्यान दिया, क्यों दिया? इसलिए दिया कि बहू घर में आए, संस्कारित आए, और परिवार का ध्यान दिया, इसलिए दिया। हमने जो 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 भावना बनी हमारी, वो हम चूक गए, हम नहीं देख पाए,
गलती है कांग्रेस, मतलब सास बहू की खूबियां और खामियां नहीं समझ पाए। हाँ बिल्कुल, खानदानी हमारी जो हमें देखना था कि ये तो झांसी की रानी वाला परिवार है, इसको मुखिया कैसे बना, डिक्टेटर है, ये ध्यान देना था कांग्रेस पार्टी ने, वो चूक हुई, उस कारण से हमें ये दिन देखने पड़े। तो मैं मानता हूँ ये केवल एक व्यक्ति को नहीं देखना, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आपके भी बहुत नजदीक थे, आपके भी बहुत करीब थे। ये देखना पड़ा एक एक कार्यकर्ता को जिसने बेचारे ने दिन रात मेहनत करी, लाखों कार्यकर्ता जिसने अटा टूट मेहनत, अद्वितीय मेहनत, रात रात भर जाग के मेहनत, 15 साल के अफर्स, कई जेल गए, मैं जेल गया, 34 बार मुकदमे लगे मुझ पर, ऐसे मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगे, उनकी भावनाओं का जो कत्ल हुआ वो मैं मानता हूँ प्रदेश देखता है, और जो हुआ सो हो गया, अब हमारे लिए बोर शिवराज एक जगह, भगवान उनका भला। अच्छा एक बात बताइए कि आप में और तुलसीराम सिलावट में इन दिनों टक्कर देखने को मिल रही है, मुकाबला देखने को मिल रहा है, आप सावेर में जो है लगातार दौरे कर रहे हैं, राशन बंटवा रहे हैं, आपके समर्थक सक्रिय हैं, अब वो जो है आप ही की पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं, आखिर सच्चाई क्या? ये कहते हैं कि उनमें और मेरे में तुलना कर रहे हैं, मेरा अपमान मत कर, मैंने जीवन में एथिक्स से कभी समझौता नहीं किया, मेरी पार्टी के खिलाफ नहीं किया, मैंने जनता की भावनाओं के विपरीत काम किया, जिस उद्देश्य के लिए मुझे जनता ने चुना उसको काम को किया, मैं भिखा नहीं करता। चलिए 24 विधानसभा सीटों में उपचुनाव जहां पर होने हैं, वहां की तस्वीर आपको क्या नजर आती है, चूंकि आप एक कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं और मीडिया विभाग के अध्यक्ष भी हैं, लिहाजा क्या आकलन है, क्या एनालिसिस है? जितने सर्वे नए सिरे से आप लोग कर रहे हैं, जितने हम अलग अलग विधानसभाओं में हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सब सीटों पर कांग्रेस अपर चल रही है, तो मैं मानता हूँ कि लिटरेसी की हालत में हम 22 से ऊपर सीटें, 21, 22, 23 सीटें जीतेंगी, जीतेंगे हर हालत में, जीतेंगे किन मुद्दों के आधार पर जीतेंगे, जो किसानों की कर्ज माफी की बात आप कर रहे हैं उसे लेकर तो बीजेपी लगातार काम कर रही है। 15 माह क्या आप बताओ, इंदौर शहर में जो माफियाओं के खिलाफ युद्ध चालू किया था गलत था, 15 साल तक जिनके प्लाट नहीं मिल रहे थे उन लोगों को प्लाट मिलना चालू हो गए थे गलत था, इंदौर शहर में आपका जो बिल है बिजली का आज कितना आया इस महीने का जरा आप आकलन कर लो, और जब कमलनाथ की सरकार थी 150 रुपया 150 यूनिट, क्या वो गलत था? 150 रुपया तीन एक 15 साल में 300 रुपया गरीबों को पेंशन की, और एक ही साल में वो एकदम से 3600 कर दी, क्या गलत किया? क्या कमलनाथ ने खजाना खाली था, पैसे नहीं थे? अभी आज के मुख्यमंत्री ने भी कल स्वीकार किया है कि हाँ अभी हालात खराब है, आर्थिक परेशानियाँ हैं, तो इसका मतलब उसको बावजूद एक रीज़न किसान की भलाई का कि दो चरण में हमने 1 लाख रुपये तक के ऋण रेगुलर प्रोसेस में, और जिनका ओवर ड्राफ्ट चल रहा था उनके 2 लाख, ऐसे 25 लाख किसानों को माफ कर दिए और बचे 2 लाख। बीजेपी तो उसे झूठा बता रही है, उसे घोटाला करार दे रही है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उसे घोटाला करार दे रहे हैं। ऐसा है कि बीजेपी तो ये भी कह रही है कि हमने सरकार जो बनाई नियमों से बनाई, बीजेपी ये भी कह रही है कि हम जो बने अधिकार था हमारा, तो बीजेपी की कितनी बातें कैसी जनता सब समझ रही और देख रही है। जिस किसान का कर्जा माफ हुआ उसको पता है, और जिसको प्रमाण पत्र मिल गया उसके पैसे वापस काट रहे हैं वो भी उसको पता है। अभी आज ही मुख्यमंत्री ने, जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने स्वीकार किया है कि 6,000 करोड़ रुपए माफ किए, अभी पहले कह रहे थे कि किए ही नहीं, अब कह रहे 6,000 करोड़ किए, एक मंत्री इसको पाप बताता है, कृषि मंत्री, तो इनकी नियत किसानों के प्रति क्या है जनता ने देखी है। आप इन्होंने गोली मारी थी किसानों को, 5,000 मुकदमे इनने लागू किए थे किसानों के बच्चों के, किसानों का तुलाई में अभी कितनी परेशानी आ रही, बारदान से लगा के सब पता है, किसानों के प्याज खेतों में पड़े हैं, यही सरकार है, पहले भी प्याज खेत में पड़े थे इसी की सरकार में, मैं कंधों पर प्याज लेके जाता था जब भी यही सरकार थी, अभी भी मुझे कंधों पर फिर भारी प्याज उठाने पड़ेंगे, इन्हीं की सरकार में उठाऊंगा, फिर ये गोली चलाएंगे तो मेरा ही सीना रहेगा, किसान के बेटे का ही सीना रहेगा। ये सब बातें प्रदेश की जनता जानती है, और 24 सीटों पे इसका आकलन भी होगा और इनका हिसाब भी होगा, और इनको मुंह तोड़ जवाब भी जनता देगी। ये चुनाव कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, ये चुनाव जनता और बीजेपी का है, जनता और बिकाऊओं का है, जनता और दोगलों का है, जनता और पीठ में छुरा भोंकने वाले गद्दारों का है। अच्छा चलिए बताइए, जब कोरोना संक्रमण काल चल रहा था तब जनप्रतिनिधि अपने अपना दायित्व निभा रहे थे, आपने क्या दायित्व निभाया? राऊ क्षेत्र जिसे आप अपना परिवार कहते हैं, वहाँ की जनता को क्या क्या सुविधाएं आपने पहुंचाई, कैसे पसीना बहाया? अभी भी आप मेरे साथ यहाँ से चलेंगे तो एक पंचायत में 3-4 हजार वितरण चल रहा है, वहाँ 5 मिनट, ये काम ईश्वर द्वारा निर्मित काम है, किसी को अनुदान का, मेरे को ईश्वर की, मेरे माता पिता के संस्कार के, उनके आशीर्वाद की इतना कृपा रही कि मैं इसको हिसाब में बता के छोटा नहीं होना चाहता,
पर मैंने हमेशा कहा कि जिसने जो कहा वो मैंने करने की कोशिश की और मैं पास हुआ, ईश्वर ने मुझे मार दिया, इतना कैपेबल बना। मैं मानता हूँ कि पूरी राव विधानसभा में हमने भरपूर पूरा जो मेरा समर्पण था उससे काम किया, और उसके अलावा भी 5 नंबर में, सांगेर में और इंदौर के कई क्षेत्रों में जिसने जो बोला उसको वो मैंने अवेलेबल कराने की कोशिश की, और अभी भी 25,000 पैकेट हमारे पास रखे हैं जो आने वाले समय में भी, और ज़रूरत लगी तो और बनेंगे। तो मैं मानता हूँ कि लगातार हमारी प्रोसेस चल रही है, और एक एक कार्यकर्ता हमारे विधानसभा का, कांग्रेस पार्टी का, और हमारे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो मेरे सामने चुनाव लड़े, हम सब मिलकर काम किया। इसमें कोई श्रेय या मेरा और तेरा नकारात्मक, मैं समझता हूँ बात करना भी गुनाह है, और वो ईश्वर की आराधना को एक तरह से उसका अपमान है। हम सब ने मिलकर किया और मैंने भी किया, कोशिश पूरी हुई, पर इसका श्रेय लेने की प्रोसेस में करता समझता हूँ जो करेगा वो एक छोटा हो जाएगा, और मैं छोटा नहीं होना चाहता। चलिए, आप मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री हैं, खेल युवा कल्याण विभाग के मंत्री हैं, वो कौन से काम हैं जो अधूरे रह गए, आपको लगता है कि एक मौका और मिल जाता तो ये जरूर पूरा मिल जाएगा? तो अभी फिर मिल जाएगा, क्या बाकी रह गया जो पूरा करना है? में फिर मौका मिलेगा, हमारे किसानों के कर्ज माफी फिर से हम पूरी करेंगे। आने वाले समय में अब गरीब के लिए जो कि न्याय योजना है उस पर काम कैसे हो उस पर विचार करेंगे, किसान को फिक्स इनकम कैसे बने इस पर एक पर्टिकुलर प्लान करके हमारे पास 15-12 महीने काम करने के थे, हमारा तो कोई काम पूरा हुआ ही नहीं बेसिक इस तरीके से। तो हमारी तो योजनाएं चालू की थी, और उन चालू योजनाओं को अगर 2 साल 1 साल मिलता तो और जनता में वो उस तरीके से मूवमेंट करती, पर जितने दिन मिले उसमें भी जो प्लेसमेंट हुआ कमलनाथ को जनता मध्य प्रदेश की याद करें, और इस बार जो 23 चुनाव होंगे उसमें कमलनाथ के नाम तो उनके काम के नाम पर, उनके उनके व्यक्तित्व के नाम के भी वोट है, और वही एक आधार है कि हम बहुत भारी बहुमत से जीते। इसे बताइए कि राजनीति में कहा जाता है कि किंग मेकर बड़ा होता है, दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि उनके सबसे ज्यादा विधायकों से संपर्क रहते हैं, सबसे ज्यादा समर्थक उनके जो है टिकट पाते हैं, और सरकार बनाने में भी वो भूमिका निभाते हैं, लेकिन यहाँ पर कहाँ चूक हो गई कि दिग्विजय सिंह जैसे चाणक्य नेता भी नहीं समझ पाए? अब उनकी रणनीति कितनी काम कर रही है, क्या अभी भी वो साथ हैं? मैं मानता हूँ कि ये दूर चला गया नहीं, आने वाले कल में भी क्या जो नए चेहरे तय होंगे, ग्वालियर जैसा क्षेत्र जो सिंधिया बहुल क्षेत्र है, हमारे से चूक हो गई, चूक किस लिए हम करने ये एक तरह से एहसास का आने वाले समय में एकजुट होकर सारी पार्टी लगी, उसमें दिग्विजय सिंह जी का भी अपना अहम रोल है। मैं मानता हूँ कि अभी नेतृत्व का जो आधार है वो कमलनाथ है, सब मिलकर हम इस प्रोसेस को करके जीते। क्या जीतू पटवारी को गुस्सा बहुत आता है राजनीति में, इसीलिए उनके बयान लगातार आते रहते हैं? मैं कभी गुस्सा नहीं आता, आज तक कभी मेरे को आपने गुस्से में देखा नहीं, मैंने ऐसा आरोप लगता मेरे पर कभी गुस्सा ही नहीं, मैं किसी भी नफरत नहीं करता, और जो नफरत नहीं करता उसको गुस्सा नहीं। मैं व्यवस्था के खिलाफ बयान देता हूँ, मेरा काम है, विपक्ष का काम है। मैंने मेरे विपक्ष में आज मान लो कैलाश है या सुमित्रा महाजन या शंकर लालवानी है या सारे विधायक हैं, सबसे मेरा प्यार है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझसे प्यार नहीं करता, और कोई मैं भी सबसे करता हूँ, कोई व्यक्तिगत कोई आधार नहीं। और उनके मेरा शिवराज सिंह जी भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मैं मानता हूँ कि सो बुराई मैं करूँ फिर भी कुछ अच्छा ही होता है, हर व्यक्ति में अच्छा और बुरा दोनों होता है। मेरा हमेशा से आप वक्तव्य देखोगे व्यवस्था के खिलाफ, मैं कभी व्यक्ति के खिलाफ नहीं रहता, और जिस दिन मैं व्यक्ति के खिलाफ बात करने लगा इसका मतलब है कि मुझमें कमी है, फिर व्यक्ति के जिसके खिलाफ बोलता हूँ उसमें कमी नहीं, मुझमें तो मैंने कभी नहीं बोला और आगे भी मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अच्छा बताइए, जीतू पटवारी जी की साइकिल कहाँ गुम हो गई इन दिनों, वो साइकिल से नजर नहीं आ रहे हैं क्षेत्र में लगातार सघन रूप से नजर आने वाले नेता? साइकिल रखी है, हवा भरी हुई है, और साइकिल में बढ़िया एक नंबर उसको चलानी भी है, पर लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करना है, और इस शहर की जो मूल आबो हवा है जिसके लिए लगे कानून संतुलन रखते हैं उसका भी ध्यान, में विधायक हूँ या मंत्री रह लिया हूँ तो सारे नियम तोड़ के साइकिल चलाता करूँ ये तो नहीं, हर काम वैसा ही होगा जैसा पहले चलता है, वैसा ही होगा जो जनता को पसंद। जितनी पटवारी सर्वेंट है, नौकर है, लोगों का दास है, लोगों के चरणों की धूल है, और वो धूल हमेशा बने। मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी क्या आपके कंधों पर है? जिस तरह से उपचुनाव की बाहर आएगी तब मालवा निमाड़ जो है निर्णायक भूमिका में होगा, क्या आपने तैयारी कर ली है? रणभेरी जो है तैयार हो चुकी है? हम सारे चुनाव जीते, एक चुनाव भी नहीं हारे। पॉलिटिकल आंसर है, न पॉलिटिकल आंसर समझो या इसको एक व्यवहारिक आंसर समझो, एक एक सीट का आकलन है। चुनाव क्यों वोट दे उसी व्यक्ति को जिसने थोड़े दिन पहले वोट दिया जिसको, और उसने अपने वोट को जिस वोट को लिया उसको बेच दिया बिना पूछो उस जनता से,
तो फिर से उससे वोट लेना। आप आपके परिवार में जाते हो, पिताजी से कुछ लेते हो, उसका कुछ ना कुछ नुकसान कर देते हो, फिर पिताजी कहते हो कि दो, तो मर्यादा हो तो पिताजी दे भी दे, पर अमर्यादित कृत्य को पिताजी कब तक सहन करेंगे, ऐसे जनता कब तक सहन करेगी। ये जो 5 सीट मालवा की अच्छी सीट है, क्योंकि 6 BJP और 100% आ रही है, और जब मैं ये हारेगी तब हम दोनों भाई मिलके, फिर मैं आपके यहाँ तो आता ही रहता हूँ, MP न्यूज का तो मैं फेवरेट हूँ, हमेशा आऊंगा। अच्छा बताइए कि आप ही की पार्टी के कई चेहरों को जो है BJP तोड़ कर ले गई, ऐसा कहा जा रहा है कि राहू के नेता थे दुली चंद मुकाती, वो चले गए, रजनीश वर्मा चले गए, ऐसे कई नाम है सब मेरे, तो पटक नहीं दे दिए तो बोले जीतो पटवारी को, मेरे को भगवान भला करे और अच्छा पटक नहीं खा गया, मुझे तो अच्छा ईश्वर उनको भगवान उनका भला करे। मैं मानता हूँ कि चूंकि मैं मेरे राहू विधानसभा को अपना परिवार कहता हूँ, तो मेरे गाँव के हैं, तो दो लोग अगर मेरे गाँव के गए तो मैं मानता हूँ कि ईश्वर उनको, मेरी प्रार्थना है कि उनका भला। आपकी आपकी विधानसभा तो सुरक्षित है ना? वो जिस जिस उद्देश्य के लिए गए उनका उद्देश्य पूरा। आपकी विधानसभा सुरक्षित है, आपकी कर्मभूमि सुरक्षित है? अगली बार चुनाव होगा तो आपको ऐसा 3 साल बचे, उसमें 3 साल जब होगा जब बता दें। अच्छा ये बताइए कि आप जल्दबाजी में क्यों रहते हैं? जीतू पटवारी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें सांसद भी बनना है, मंत्री बनने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो तो आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री के चेहरे भी हैं, कई बार कहा जाता है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्हें देखा जाता है, आप हमेशा जो विकल्पों पर क्यों फोकस करते हैं? आपके समर्थक कहते हैं, तमाम राजनेता इस तरह की बातें कहते हैं, दिल की बात जानना चाह रहा हूं मैं तो, आपके दिल में क्या है? मेरे दिल में ये है कि मैं पार्टी जो काम दे उसको ताकत से करूं, मेहनत से करूं, जनता के हित में करूं, अच्छा इंसान बन के करूं, और कभी भी कल क्या मिलेगा उसकी चिंता बना करे, आज क्या है मेरे पास उस पर काम करे। और मैंने, आपने मेरा, आप भविष्य की बातें कर रहे हैं, मेरे इतिहास या हिस्ट्री की बात करोगे तो मैंने वर्तमान को ही जिया, जब जो मिला उसको जिया, वैसे ही जिया, विनम्रता से जिया, पेड़ छुके जिया, कभी अहंकार नहीं आने दिया। तो मैं मानता हूँ कि अहंकार रहित, पर अहंकार और निडरता में एक अंतर है, निडर भी हूँ मैं, अहंकार नहीं आने दिया पर डरा भी नहीं किसी से, उस तरह के भाव के साथ काम किया और आगे करता रहा। क्या आप ही की पार्टी के कई नेता आपसे घृणा करते हैं? क्योंकि बहुत कम उम्र में जीतू पटवारी ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी पा लिया और जनता के बीच में लोकप्रियता भी हासिल कर ली, क्या इन तमाम बातों में सच्चाई है? राजनीति में इस तरह की बात है, कोई प्यार करता है, कोई किसी थोड़ी बुरी दुराभास रखता है, होती हुई प्रक्रिया है, इसके लिए कभी चिंतित नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म क्या है, हमसे जो प्यार करे उससे भी प्यार करना और हमसे जो नफरत करे उससे भी प्यार करना। आप देखोगे मेरे सामने जो चुनाव लड़ते हैं, मैं उनसे प्यार की बातें करता हूँ, उनके घर जाता हूँ, चाय पीता हूँ, कभी नफरत, आज तक मैंने मेरे सामने जो चुनाव लड़ा उसकी कभी नेगेटिव बात की हो तो आप बताओ, कोई बयान आया तो बताओ, प्यार की बात की। तो फिर एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा नफरत किससे कर सकता है जिससे वो सामने लड़ता है? जब मैं उसी से कभी कभी कोई घृणा नहीं रखता हूँ तो नेचुरल सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए मैं मानता हूँ सार्वजनिक जीवन में हमेशा अहंकार रहित, नफरत रहित अपना लाइफ स्टाइल बनाना चाहिए और मैं उसकी कोशिश करता हूँ। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस ही जानना चाहते हैं कि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी का प्रेमचंद गुड्डू जी से क्या प्रेम है, कि उनकी कांग्रेस में वापसी की पटकथा भी आपने लिखी और बहुत जल्दी आप उन्हें पार्टी में सदस्यता भी दिलाने वाले हैं। प्रेमचंद गुड्डू तो कांग्रेस ही थे, वो तो भाजपा ही थे, अभी फरवरी में उन्होंने कहा कि मुझे मिस्टर विभीषण के कारण जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था तो मुझे छोड़नी पड़ी और ये इतिहास बताता भी है, अब चूंकि वो उधर चले गए तो मुझे उधर आना पड़ेगा। तो आपका उन्होंने जब पार्टी से मंशा जाहिर की, उन्होंने 3 महीने पहले की, आज नहीं की, ये चुनाव आए जब नहीं की, या ये चले जाएंगे ये आभास भी नहीं था, 3 महीने पहले की, तो पार्टी विचार कर रही थी, पार्टी विचार करके निर्णय ले लेगी जल्दी से। मतलब प्रेमचंद गुड्डू सावेर का चुनाव कांग्रेस पार्टी से ही लड़ेंगे? अगर पार्टी निर्णय लेगी लड़ेंगे। पर पटकथा तो आपने लिखी? नहीं मैंने कुछ नहीं लिखा, सब पार्टी ने, कमलनाथ जी ने लिखी, उनके नेतृत्व में सब। अच्छा ये बताइए कि जनता को कितना समय दे पा रहे हैं इन दिनों, चूंकि लॉकडाउन में है, जनता के बीच तो पहुंच रहे हैं। जीत भी जहां भी आवश्यकता होती है मैं पूछ जाता हूं, अभी भी यहां से उठ के 4-5 गाँव के दौरे करूंगा, क्योंकि जनता इकट्ठी नहीं हो सकती है, उनको इकट्ठा करना नहीं चाहिए, तो जो समस्या है उनके समाधान कैसे होगा, पानी की किल्लत अभी क्योंकि अंतिम अंतिम गर्मी है तो जल्दी तो वहाँ बोरिंग क्या हो सकता है, क्या पानी, इस तरह की जितनी समस्याएँ होती है वो करना है, फिर शासन और लॉकडाउन के नियम से काम करना है। इस बार जनता से अभी पिछले 2 महीने से जो है सघन जनसंपर्क होना चाहिए, उसकी थोड़ा अभाव है और सब राजनीतिक दलों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, पर जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम भगवान ईश्वर इतना बढ़िया करा रहा है कि मैं इससे अच्छा, मेरा पूरा जितना करियर गया राजनीति का मैं काम नहीं कर पाया जितना इस 2 महीने में कर पाया, तो मैं तो बहुत अपने आप को आत्म संतुष्टि पाता हूँ कि इन 2 महीने में जितनी सेवा मुझसे हो सकी इतनी इससे पहले कभी नहीं हुई मुझसे, तो भगवान की आराधना करता हूँ।
चलिए कुछ क्रॉस फायर राउंड कर लेते हैं यहाँ पर। बीजेपी का कौन सा नेता आपको ठीक लगता है या लगता है कि जनता की सेवा करता है, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा या नरेंद्र सिंह तोमर? तीनों कुछ न कुछ करते हैं पर तीनों सब कुछ नहीं करते। कांग्रेस में कौन पसंद है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी? तीनों पसंद। पॉलिटिकल एडमायर किसको मानते हैं, इंस्पिरेशन किसको मानते हैं, कमलनाथ, दिग्विजय या और कोई? राजनीति में हर व्यक्ति में अच्छाई होती है सबसे। आने वाले कल के लिए क्या मिशन है, मुख्यमंत्री बनना है या केंद्र में जाना? आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार। चलिए, ये जीतू पटवारी की शैली है, ये जीतू पटवारी का सियासी अंदाज है कि उनके मन में जो है वही उनकी जुबा पर है, और शायद यही वजह है कि जनता के बीच में इतने कम समय में इतने ज्यादा लोकप्रिय भी हैं और राजनीति में बेबाकी को बहुत उच्च कोटि का स्थान दिया जाता है। शायद यही वजह है कि आने वाले दिनों में जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि इस देश की पॉलिटिकल तस्वीर में एक बड़ी जगह मिलना तो तय है, लेकिन फिलहाल वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं और कोरोना संक्रमण काल में जनता को इन तमाम चुनौतियों से छुटकारा भी दिलाना चाहते हैं। बहरहाल देखना बहुत लाजमी हुआ कि मध्य प्रदेश में जो 24 सीटों पर उपचुनाव यानी कि अग्नि परीक्षा होनी है, क्या उसमें कांग्रेस पास होती है, क्या रणनीति यहाँ पर तय होती है या भारतीय जनता पार्टी पर जनता भरोसा दिखाती है। रही बात जीतू पटवारी के दिल की, तो वो भी हमने यहाँ पर जानने समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि एमपी न्यूज के तमाम दर्शकों को ये खास साक्षात्कार जरूर पसंद आएगा। ताजातरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।